Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get all the latest updates from Malik Gilani. Assalamualaikum भाई और भाभियों, मेरा नाम है मलिक गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मलिक गिलानी। इस पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनको अपने बारे में बताते चलूँ कि बाय प्रोफेशन मैं एक एनिमेटर हूँ और प्रोफेशनली इस फील्ड में 10 साल से हूँ। कुछ मैंने जो प्रोजेक्ट्स करे हैं, जो नामी ग्रामी प्रोजेक्ट्स हैं, तीन बहादुर जो पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड मूवी है उसका मैं लीड एनिमेटर हूँ, और इसके अलावा रिसेंटली जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट करा था वो ऑस्कर के लिए पाकिस्तान से जो ऑफिशियली भेजा गया था उसका नाम है सितारा, जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल शॉर्ट फिल्म थी। तो बस यही मेरा काम है और पार्ट टाइम मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। यूजुअली मेरे चैनल पर आपने जो अनबॉक्सिंग्स देखी थी वो इंग्लिश में होती थी क्योंकि वो पेड रिव्यूज़ होते थे और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती थी, इंटरनेशनल सेल्स करने के लिए उनके लिए ज़रूरी होता था। लेकिन आज जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो पेड रिव्यू नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ, ये तो टेक्निकल गुरुजी हो गया। ओप्स, ओके, तो ये जो है आज मैं अनबॉक्सिंग जिस प्रोडक्ट की करने लगा हूँ वो है सॉफ्ट बॉक्स। जो आप मेरे यहाँ जो लाइट देख रहे हैं वो एक सॉफ्ट बॉक्स से आ रही है। बेसिकली मेरे पास सॉफ्ट बॉक्स के एक पैर आया था जिसमें से एक वो मैंने ऑलरेडी सेटअप करके लाइट्स लगा दी हैं और दूसरा जो है वो ये रहा। इसकी मैं अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करते हैं। आपको मिल जाता है एक ट्राइपॉड स्टैंड, ये इसकी जो हाइट और इसकी हाइट जो है वो एडजस्टेबल है, कि आपको ऑलमोस्ट 7 feet तक इसकी हाइट मिल जाती है विच इज़ प्रिटी गुड। ठीक है, ये आपका हो गया ट्राइपॉड, इसे मैं रख देता हूँ साइड में। इसके अलावा आपके पास ये बैग आता है, ये है सॉफ्ट बॉक्स जो कि इस कैरी बैग के अंदर आता है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या आता है और किस तरह हम इसे असेंबल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर यूजुअली स्क्वायर शेप का होता है जिसके अंदर बल्ब्स लगे होते हैं, तो उसका जो आउटर लेयर होता है जो स्क्वायर शेप में होता है ये वो है। इस बॉक्स के अंदर आपको मिलती हैं 3 चीज़ें। बेसिकली ये जो सबसे पहले आपको ये रॉड्स मिलती हैं जो आप इसकी बेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा आपको मिलता है ये डिफ्यूजन क्लॉथ जो कि आप बाहर लगाते हैं बॉक्स के। इसकी लेंथ जो है वो 50x70 सेंटीमीटर है, ये इसका क्लॉथ हो गया। और इसके अलावा ये सॉफ्ट बॉक्स, ये है वो सॉफ्ट बॉक्स जिसे हम असेंबल करेंगे। इसमें साइड्स में जो है वो स्टिक्स लगती हैं और बीच में जो है आपका होल्डर आता है जो मैं आपको कुछ देर में अभी असेंबल करके दिखाऊंगा, जो काफ़ी मुश्किल काम है। ये जो मेरा पहला सॉफ्ट बॉक्स है इसे असेंबल करने में तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था। 2-3 स्टिक्स तो आप लगा लेते हैं लेकिन जो चौथी स्टिक बहुत टाइम जाता है और इसमें आपकी बहुत पावर लग जाती है। सो उसके बाद हमारे पास आता है ये बॉक्स जिसके अंदर बल्ब जो है वो लगाए जाते हैं। चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। बॉक्स में हमें मिलता है ये होल्डर, ये इसका वायर तकरीबन 2 मीटर का इसका ये वायर है विच इज़ प्रिटी गुड। इसमें आपको मिलता है ये प्लग जो कि यूजुअली आपको घर में नहीं मिलता, इसके लिए आपको 3-pin to 2-pin कनेक्टर लेना पड़ेगा। इसके अंदर आपको मिलता है ये ऑन एंड ऑफ स्विच और इसके अंदर हैं ये 4 बल्ब होल्डर्स।
चार होल्डर्स हैं और ये जो पार्ट है ये आप डालते हैं ट्राइपॉड के अंदर। इसके अंदर होल्स हैं, आप अगर यूँ लगाना चाहते हैं आप उसे उस तरह से लगा सकते हैं। बिसाइड्स दैट इसके अंदर ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ बेसिकली करता है कि अगर वोल्टेज का कोई इशू होता है तो वो आपकी लाइट्स को उड़ने नहीं देता और बचा लेता है। दो बटन इसके अंदर दिए गए हैं, बल्ब चार हैं लेकिन बटन दो हैं। दो बटन इसलिए हैं क्योंकि एट अ टाइम आप इसमें दो बल्ब्स जला सकते हैं। अगर आपको और कम रोशनी चाहिए तो आप इसके अंदर एक बल्ब लगाएं और एक बल्ब निकाल दें। टोटल ये जो है 800 वाट तक बर्दाश्त कर सकता है पावर। ये जो मेरे राइट साइड पर सॉफ्ट बॉक्स लगा है इसके अंदर भी मैंने लगाए हैं दो 30 वाट्स के बल्ब, मतलब इसके अंदर फ़िलहाल सिर्फ 60 वाट की रोशनी, और आप देख सकते हैं कि ये कितना इल्यूमिनेट कर रहा है। और ये साइड मेरी डार्क है फ़िलहाल क्योंकि मैं एक ही लाइट यूज़ कर रहा हूँ, मेरी प्राइमरी सोर्स है। तो चलिए मैं आपको सॉफ्ट बॉक्स असेंबल करके दिखाता हूँ। ये रहा लाइट स्टैंड और इससे आप अपने हिसाब से जितना आपको इसकी लेग्स जो हैं वो वाइड रखनी है, नैरो रखनी है, वो आप रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छी ग्रिप बनानी है तो ये दिस इज़ अ प्रीटी गुड स्पेस। तो आप इसके बाद यहाँ पे टाइटिंग नॉब है, आप उसको टाइट कर दें, ठीक है, मैक्सिमम जितना आप टाइट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी हाइट एडजस्टमेंट को खोलना है और फ़िलहाल मैं इतना रख देता हूँ ताकि आसानी हो मुझे बनाने में इसे। अब मैं लूँगा ये लाइट स्टैंड और इसे हम करेंगे इस पर फिट। वंस ये टाइट हो जाएगा तो ये कुछ थोड़ी मैं इसकी हाइट नीचे कर देता हूँ ताकि कैमरे में भी सही से नज़र आए, ठीक है। तो आप जब इसकी हाइट एडजस्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। अब आता है सबसे मुश्किल प्रोसेस, इसके सॉफ्ट बॉक्स को बनाना। चलिए बनाते हैं। इसमें यहाँ वेलक्रो की स्ट्रिप्स हैं, वेलक्रो की स्ट्रिप्स आप पहले खोल लें। जब आप सारी स्ट्रिप्स खोल लेंगे तो आपको इसको इसमें डालने में आसानी होगी। आपने फ़िलहाल इसे यूँ घूंघट उड़ाना है और उसके बाद ये जो इसकी रॉड्स हैं हम एक एक करके इनको अंदर डालेंगे। जो होल्डर है इसके अंदर यहाँ हर कॉर्नर पे कैविटीज़ दी हुई हैं जिसके अंदर आप इसे डाल सकते हैं। सो हम यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं और हमने ये फर्स्ट वाले में रॉड डाला। अब आप इसे जो है लाइट का जो आपका सॉफ्ट बॉक्स है आप इसे लाएं इस तरह। अब देखेंगे इसका नाम यहाँ पे आ रहा है, जो भी ब्रांड का नाम है, वैसे तो जेनेरिक है, आपको हर उसमें चाइना वगैरह से जो आते हैं एक ही उनके मैन्युफैक्चर होते हैं, बट वो जेनेरिक होते हैं, उनके नाम जो है वो सप्लायर्स अपने हिसाब से उसके नाम रख देते हैं। तो आप इसे यूँ करें, ले जाएं यहाँ पे इसी इसकी जगह है, यहाँ वेलक्रो जो है स्ट्रिप्स कॉर्नर में जो है यहाँ वेलक्रो स्ट्रिप्स दी हुई होती हैं, उसके अंदर जगह होती है, आपने इसे डाल दिया तो ये आपने फर्स्ट इसका डाल लिया है इस तरह से। तो चलिए मैं आपको बाकी चारों जो है वो बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से इसकी कंप्लीट शक्ल आएगी चारों रॉड्स लगने के बाद। आप देख सकते हैं कि लाइट सोर्स जो है वो चेंज करने से कितना ड्रामेटिक इफ़ेक्ट आ सकते हैं। पहले मेरा जो सॉफ्ट बॉक्स था ये थोड़ा मेरे डिस्टेंस पर था, तकरीबन 5 फिट के डिस्टेंस पर था, अब ये तकरीबन 3 फिट के डिस्टेंस पर है, फ्रेम में आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से सॉफ्ट लाइट यहाँ पर पड़ी है और मेरी जो ये लेफ़्ट साइड है ये पूरी शेडो में जा रही है। इसे थोड़ा सा अगर इल्यूमिनेट करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये थर्मोपोल की शीट होती है, तो अभी आप देखें यहाँ कितना डार्क आ रहा है। अब जैसे ही मैं थर्मोपोल की शीट अंदर इंट्रोड्यूस करूँगा तो यहाँ पे एक बाउंस आ गया, तो ये एक सिल लाइट का काम कर रही है और ये सॉफ्ट बॉक्स मेरा की लाइट का काम कर रहा है। अगर आपको लाइटिंग का आइडिया हो, 3 पॉइंट लाइटिंग होती है, की लाइट, सिल लाइट और रिम लाइट या बैक लाइट, तो बैक लाइट वगैरह अभी हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ एक सॉफ्ट बॉक्स पे ही अपना सारा अब तक शूट कर रहे थे। तो अब मैं दूसरा सॉफ्ट बॉक्स भी लगाऊंगा और इसको हम एज अ रिम लाइट या बैक लाइट यूज़ करेंगे, और इस रिफ्लेक्टर को मैं यहाँ रख सकता हूँ जिससे ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड पे फिल देता रहेगा।
रोजे हद के बाद ये हमारा सॉफ्ट बॉक्स जो है ये है रेडी। देख सकते हैं आप, इसका शेप आ चुका है, इसका स्ट्रक्चर। अब ये बंद है, इस तरह दिख रहा है। जब ये पूरा लाइट के साथ ऑन होगा तो ये कुछ ऐसी शेप में आ जाएगा। तो इसकी जो वेलक्रो जो है वो हम इसे बंद करते हैं ज़रा से, ताकि लाइट का स्पिल ना हो। तो ज़रा इसे पक्का करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट बॉक्स रेडी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सॉफ्ट बॉक्स को, जो हमने दूसरा भी असेंबल करा है, इसे किस तरह एज अ रिम लाइट और बैक लाइट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसमें लगा दूँ ये डिफ्यूज़र, क्योंकि डिफ्यूज़र नहीं लगाऊंगा तो काफ़ी हार्श लाइट आएगी। डिफ्यूज़र लगाने का फ़ायदा है कि लाइट काफ़ी सॉफ्ट आती है और ज़रा लाइट अच्छी लगती है। बेसिकली हार्श लाइट हम डायरेक्ट अगर अपने फेस पे करेंगे तो इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आएगा उसका। ओह, बल्ब्स मैं भूल गया, बल्ब जलाता हूँ। तो मेरे पास हैं ये दो LED बल्ब्स, 30 वॉट ईच हैं, तो इसे मैं इसमें लगा देता हूँ। सिमिलरली दो बल्ब्स इसके अंदर भी लगे हैं, उसी तरह मैं दो बल्ब्स इसमें भी लगा लूँगा। इसे सॉफ्ट बॉक्स हम वापस लगाते हैं। साइड में इसके वेलक्रो दिए जिसके थ्रू ये स्टिक हो जाता है इस पर। चलिए फिर अब इस सॉफ्ट बॉक्स को लगा के देखते हैं कि हम इसे एज अ बैक लाइट या रिम लाइट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो। जी, तो अब आप जो देख रहे हैं, जो मेरे ये एजेस क्रिएट हो रहे हैं जिसे हम रिम लाइट या बैक लाइट कहते हैं, तो जो रिम बन रहा है वो बन रहा है उस दूसरे सॉफ्ट बॉक्स से जो अभी हमने आपके सामने असेंबल करा। और जो मेरी प्राइमरी जो की लाइट है वो ये रही, बिल्कुल मेरे तकरीबन 5 फीट के डिस्टेंस पे, ऑलमोस्ट मेरे आई लेवल पर है। और उसके बराबर में बिल्कुल कैमरा लगा हुआ है। तो ये इफ़ेक्ट होता है इसका। आप देखें, सिर्फ ये दो लाइट से इस तरह का इफ़ेक्ट आप अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं अगर कैमरे के करीब आऊँगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि बैक लाइट क्या अपना काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो मेरी प्राइमरी की लाइट है और जो मेरी रिम लाइट है, वो दोनों कूल कलर में है। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, थोड़ा सा वार्म इफ़ेक्ट अगर मैं चाह रहा हूँ या ब्लू इफ़ेक्ट मैं चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं अचीव कर सकता हूँ। किस तरह? इस तरह। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने किया ये है कि अब आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ये जो मेरा रिम जो बन रहा है और जो मेरे बैक लाइट जो है वो थोड़ी सी येलोइश हो गई है। उसमें मैंने क्या किया है, मैंने किया ये है कि जो मेरा सॉफ्ट बॉक्स का जो डिफ्यूज़र का क्लॉथ है उसके अंदर मैंने एक येल्लो जेल शीट डाल दिया, जिससे जो लाइट का कलर है वो थोड़ा सा वार्म हो गया और मुझे थोड़ा सा डुअल टोन मिल रहा है। यहाँ से मेरा वाइट लाइट आ रही है जो मेरी की लाइट है, और जो मेरी बैक लाइट है, रिम लाइट है, वो थोड़ी येल्लो से आ रही, जिससे एक अच्छा सा एक मूड क्रिएट होता है। डिपेंड करता है आप किस तरह की लाइटिंग, किस तरह का इफेक्ट चाह रहे हैं। अब सिमिलर लाइट को मैं थोड़ा सा ब्लूइश उसमें भी लेके आ सकता हूँ, इस तरह। तो जी, अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो मेरा बैक लाइट जो आ रही है वो आपको ब्लूइश टोन में दिख रही होगी। तो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो एंडलेस हैं। सिर्फ इन दो लाइटों से आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। आपका अगर छोटा सा एक यूट्यूब स्टूडियो बनाना चाहते हैं या म्यूज़िक वीडियोस या आप शूट करना चाहते हैं, तो बेसिकली बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। सिर्फ इन दो लाइट से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आई मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह जेल शीट जो है वो सॉफ्ट बॉक्स के अंदर डाली है। या मैंने ये है कुछ कि ये जो मेरा डिफ्यूजन क्लॉथ है, मैंने इस क्लॉथ के अंदर सिंपली मैं ज़रा ISO जो है वो थोड़ा कम कर दूं ताकि आपको नज़र आ सके। जी, तो ये जो ब्लू कलर की जो जेल पेपर है, इसे मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया था। इंसर्ट करके और इसे क्लोज़ कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो हमारी वाइट लाइट है वो ब्लूइश होते हुए हमारे यहाँ स्पिल हो रही थी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब मेरी वीडियो आएगी। तो सारी अपडेट्स से बाखबर रहने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट में बता सकते हैं कोई क्वेश्चन हो आपका इन लाइट से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप विजिटिंग माई चैनल मलिक गिलानी।